नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेड राउंड चिली के पौधे के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक गमले में रेड राउंड चिली का पौधा है जो एकदम पूरी तरह से स्वस्थ और बेहतरीन है। बस इसमें हल्का हल्का जो ये सूखापन या मुरझायापन आ रहा है, इसका कारण ये है कि ये बहुत ही छोटे 6 इंच के मात्र पॉट पर लगा हुआ है। ठीक है, आपने अगर इसे 6 इंच के पॉट पे लगाया तो आप बस इसे कुछ नहीं करना है। अगर मिट्टी सूखी हुई है तो आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए, खाद में आप गोबर की खाद ही प्रयोग कीजिए। देखिए, इसे मैं चारों तरफ से कम 1 इंच गुड़ाई कर दूंगा। गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होता है कि जो पौधों की जड़ें होती हैं वो श्वसन बहुत आसानी से कर पाती हैं, जिससे क्या है, पौधा ग्रोथ करता है। अब देख रहे हैं मेरे पौधे में कोई फंगस वगैरह नहीं लगी है। अगर फंगस लग जाती है तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने घर पर फंगीसाइड तैयार करने का जो तरीका बताया, उसे तैयार करके उसे इस पौधे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही, जैसे कि ज़्यादातर यूट्यूबर आपको बताते हैं कि आप पौधे की 3G कटिंग अप्लाई करके उससे ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे अगर आप इसे 3G या 2G कटिंग अप्लाई करेंगे तो नई ब्रांचेस तो ज़रूर आएंगी, मगर जो फल देंगे वो बहुत ही छोटे और कमज़ोर क्वालिटी के होंगे। इसलिए आप इस जैसा पौधा है उसे वैसे नॉर्मल ही रहने दीजिए। आप बस क्या कर सकते हैं, अगर आपका पौधा कुछ इस तरह से मुरझाया हुआ दिख रहा है तो हल्का इसमें पानी डालें और या फिर इसे ट्रांसप्लांट कर दें। ट्रांसप्लांट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच के गमले में इसे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ देगी। 12 इंच के गमले में लगाने के लिए आप एक हिस्सा मिट्टी का लें, एक हिस्सा बर्नी कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत, तीनों मिक्स करके आप इसे लगाएंगे तो ये काफ़ी सुंदर हरा भरा पेड़ है। इसमें मिर्चियाँ आएंगी। इसमें जो मिर्चियाँ आती हैं दोस्तों, वो रेड और राउंड शेप में होती है। राउंड शेप में होती हैं, वो काफ़ी तीखी, जब इसमें फल लगते हैं तो वो बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें अभी तक कोई फल नहीं लगा है। ये पेड़ कम से कम 3 महीने पुराना हो चुका है, फिर भी इस पर कोई फल नहीं दिया। इसके लिए आप फर्टिलाइज़र के तौर पर गोबर की खाद यूज कर सकते हैं या फिर खली, अलसी की जो खली होती है उसे पानी में घोलकर आप 1 गिलास पानी इसमें डालें, जिससे क्या, इसे पूरे पोषक तत्व मिलेंगे और ये फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग करना चालू कर देगा। तो मैंने रेड राउंड चिली के प्लांट को कुल 3 प्रकार की मिट्टियों में इसके सीड्स लगाए थे। देखिए, सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला ये वाला पौधा है, फिर वो है, फिर सबसे कम ये। इसे मैंने लगाया था नॉर्मल मिट्टी पे, इसे मिट्टी के साथ रेत मिक्स करके, और इसे मैंने लगाया था गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट और रेत और नॉर्मल गार्डन सॉइल। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आपको इस पौधे को कैसे लगाना है। आप इसे घर पर ही आसानी से सीड से उगा सकते हैं, ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। बहुत जल्दी पौधा तैयार होकर ग्रोथ करना चालू कर देता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा बताया गया वीडियो में जो भी बात है बहुत आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर ये पॉट छोटा पड़ रहा है तो आप इसे रीप्लांट जरूर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पौधे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर आपने इसे रीप्लांट नहीं किया है तो ये इसी तरह का मुरझाया हुआ पत्ता देता रहेगा और इसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी। रीप्लांट करने का फ़ायदा ये रहता है कि जड़ें फिर से अच्छी तरह से फैल जाती हैं और पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और पौधा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा तो हमें फल भी उसमें उतने ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एक ही पौधा है जिसने कई ब्रांच अपने आप निकाली है। मैंने इस पर कोई कटिंग अप्लाई नहीं की है, ये डायरेक्ट, ना ही मैंने इस पर कोई कटिंग अप्लाई की है, ना ही मैंने इस पर कोई पिंचेस किया है। ये डायरेक्ट ही अपने आप खुद कई ब्रांचेस निकालता रहता है। तो इसलिए दोस्तों, आप इसमें किसी भी प्रकार की कटिंग या पिंचिंग बिल्कुल अप्लाई ना करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।